मकबरा हेला जिला मंडी पाउदीन की तहसील फालिया कस्बा हेला में वाके है। ये मकबरा हेला से तकरीबन 1 किलोमीटर जनूब की जानेब मानोचक रोड नहर के किनारे पर वाके है। जब इस मकबरा को देखते हैं तो कई सवालात जहन में जन्म लेते हैं कि ये मकबरा किसका है। इसे गैर आबाद जगह जो कि आबादी से दूर थी यहां पर तामीर करने की क्या वजह थी। इस मकबरा के नीचे जो सुरंग है वो कहां जाती है, आज हम इस मकबरा के बारे में तफसील से जानते हैं। ये मकबरा शेख अली बेग इब्ने हसन अली खान अरब का है जो कि हिंदुस्तान की मुगलिया हुकूमत में पंजाब का हाकम था। शेख अली बेग इब्ने हसन अली खान अरब एक दिन शिकार की नीयत से अपने महल से निकले और इस मुकाम पर पहुंचे। यहां आराम और सुकून का एक अजीब एहसास तारी हुआ तो उन्होंने खेमे यहीं लगाने का ऐलान किया। उस वक्त यहां हरे भरे घास के वसी मैदान थे, हर तरफ दिल को बहाने वाली हरियाली थी। ये जगह खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी और इसके खास चर्चे थे। शेख अली बेग शहनशाह हिंद बाबर की किताब तुज़के बाबरी में भी इस खूबसूरत जगह के बारे में पढ़ चुके थे और इस जगह के इस तरह दीवाने हुए कि अपनी जिंदगी में ही यहाँ पर अपनी आखिरी आराम का बनवाने का फैसला कर लिया। अगर आप इस मकबरा के अंदर हों तो शेख अली बेग की कब्र इस आलीशान इमारत के वसत में है। इस कब्र को कीमती और खूबसूरत पत्थरों से तामीर किया गया है। इसके चारों अतराफ कुरानी आयात बहुत ही खूबसूरती से तहरीर हैं और इस कब्र के पांव की तरफ शेख अली बेग और उनके वालिद हसन अली खान का नाम और तारीख बहुत ही वाज़े तहरीर है। इस आलीशान इमारत के चारों अतराफ दरवाजे रखे गए हैं जिनसे ताज़ा हवा का गुजर हर आने वाले को ताजगी का एहसास दिलाता है। बाहर जनूबी दरवाजे के साथ सीढ़ियां हैं जो ऊपर छत पर जाती हैं। छत पर जाकर आप पूरे इलाके की खूबसूरती को देख सकते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मकबरा एक वसी मैदान पर वाके होने की वजह से इसके चारों तरफ एक दीवार तामीर की गई थी जो चार मजबूत सतून से मुंसलिक थी, मगर वक्त के साथ साथ ये दीवार मिसमार हो चुकी है। मगरब की जानिब उस दीवार का कुछ हिस्सा और एक सतून अभी तक बाकी है। इस मकबरा के बारे में मुकामी लोगों की तरफ से कई बातें मशहूर हैं। कहा जाता है कि इस पर जिन भूतों का बसेरा है। कुछ लोगों के मुताबिक इस मकबरे से एक सुरंग निकलती है जो हिंदुस्तान जाती है, मगर इनमें कोई हकीकत नहीं है। इस मकबरा के मगरब की जानिब जो सुरंग नजर आती है, हकीकत में वो इसके नीचे तहखाने का दरवाजा है जो मट्टी भरने से तंग होकर छोटा हो गया है और सुरंग की तरह नजर आने लगा है। जब हम इस सुरंग में दाखिल हुए तो ये तारीख और मट्टी भरने से बहुत तंग हो चुकी थी। इसके अंदर जाकर पता चला कि मकबरे के ऐन नीचे एक तहखाना बनाया गया था और शेख अली बेग की असल कब्र इस तहखाने में है जो देखभाल ना होने की वजह से नुमाया नहीं रही। इस मकबरे के मगरब की जानिब एक शानदार मस्जिद भी तामीर की गई थी ताकि राह चलते मुसाफिरों को इबादत की सहूलत मुयस्सर हो सके, मगर अदम तवज्जो और हालात की बेरहमी की वजह से ये मस्जिद शहीद हो चुकी है। फन तामीर का ये अजीम फन पारा है जो आज भी मुगलिया दौर की याद दिलाता है। आमिर इरफान जोया,
MBT न्यूज़ मंडी भावती।